सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अविनाश, मैथ टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगड़ नंगल तो तुहाडे सामने दसवीं क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 लैके आया, जो कि तुहाडी अपनी ही पाठ पुस्तक यानी कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की पाठ पुस्तक विचों है। ये असी सवाल करांगे, जिवें कि पहला सवाल तुहाडी स्क्रीन उत्ते नजर आ रहा वो की हैगा। पहला सवाल जिहड़ा वा वो हैगा कि आफताब टेल हिज डॉटर, आफताब एक बाप है जिहड़ा कि अपनी बेटी नूं कह रहा है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहला, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी कि 7 साल पहला जो मेरी उम्र सी वो तेरे नालों 7 गुना ज्यादा सी। 7 साल पहला ओदी जड़ी उम्र सी ओदे नालों 7 गुना ज्यादा मेरी उम्र सी। उस तो बाद की कह रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहना आज तो 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। कहना इस सवाल में क्या कह रहा है हुन कि 3 साल बाद की होएगा, मेरी जड़ी उम्र है तेरे नालों सिर्फ और सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगी। ठीक है, की कह रहे हैं, दो चीजा कह रहा है। पहली चीज कह रहा है कि 7 साल पहला मेरी उम्र तेरे नालों 7 गुना सी, पर जेकर हूं तो मैं 3 साल बाद ही गल करा तो मेरी जड़ी उम्र होएगी वो तेरे नालों सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगी। ठीक है, इस सवाल की कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एलजेबरिकली एंड ग्राफिक। ठीक है, असं की करांगे, ग्राफ भी बनावांगे तो एलजेबरिकली इक्वेशन भी बनावा। ठीक है, हुण इहनूं करना किदां वा, काफी लंबे सवाल है, असं की करांगे एज इट इज इहनूं समझण की कोशिश करांगे। ठीक है, हुण इहदा जिहड़ा आंसर हैगा वह की हैगा, आंसर देखो की कहना है, लेट करंट एज ऑफ आफताब बी एक्स। ठीक है, असी की मान लिया जो बाप सी ओदी करंट एज कितनी हैगी है एक्स, की मान लिया सी बाप जिहड़ा वा ओदी करंट एज कितनी मान ली एक्स मान ली, ते आफताब दी डाटर दी ओ कितनी मान ली वाई मान ली। ठीक है ना, सानू नहीं पता है, इस करके असी उन्होंने की मान लिया आफताब की उम्र मान लिया एक्स, आफताब की कुड़ी की उम्र मान लिया वाई। ठीक है, हुण उस तो बाद की कहना है, उस बाद देखो गिवन दैट सानू की सिचुएशन दी दी है, सानू सिचुएशन दी दी है कि 7 साल पहला 7 गुना रह जाती है, यानी कि जेकर ओदी करंट एज एक्स है, जेकर ओदी करंट एज वाई है, तो 7 साल पहला कितनी होगी एक्स माइनस 7 होगी, यदि 7 साल पहला कितनी होगी वाई माइनस 7 होगी ना, यही असी लिखता है कि 7 ईयर बिफोर एक्स माइनस 7 होगा, 7 ईयर बिफोर कितनी कुड़ी दी वो भी एक्स माइनस 7 ही होगी। इतने तक पता चल गया, लग गई समझ, की किया है असी आफताब की उम्र यानी कि पिता की उम्र तो मान ली एक्स, बेटी की उम्र कितनी मान ली वाई। सवाल तो जिवें कि पुछता पाया 7 साल पहला, 7 साल पहला करांगे तो असी करना पेगा, सानू करंट एज विचों 7 घटाना पेगा ना, कुड़ी विचों भी कुड़ी दी एज विचों घटाना पेगा, तो पिता की एज विचों घटाना पेगा, इस करके असी घटाता बन गई एज आफताब की बन गई एक्स माइनस 7, तो वो लड़की की कितनी बन गई वाई माइनस 7। ठीक है, अगे देखिए, अगे देखो हुण उस तो बाद की कह रहे हैं, उस तो बाद जिहड़ी चीज कह रहे हैं कि वह 7 गुना होंगी है, की होंगी है 7 गुना होंगी है, 7 टाइम लिखे ना, 7 टाइम का मतलब कहना 7 गुना हैगी है। हुण इहदा मतलब क्या कि जिहड़ी आफताब की 7 साल जिहड़ी उम्र सी वह बराबर सी ओदी कुड़ी नालों 7 गुना। ठीक है, असी यह लिखता, असी करांगे इहनूं खोलांगे, 7 जिहड़ा वा वाई नाल भी गुणा होएगा, तो 7 नाल भी गुणा होगा, 7 नूं वाई नाल गुणा कीता कि बन गया 7 वाई, तो 7 जदों 7 नाल गुणा होया 7 कितना हो गया 19 हो गया। साढ़े का इक्वेशन है कि असी करांगे 7 वाई जिहड़ा ना असी उहनूं उधर ला जांगे। ठीक है, तो यह जिहड़ा 7 है असी इहनूं इधर लावांगे। ठीक है, यानी कि ही एक्स माइनस 7 सी, 7y माइनस 49 सी ना जिहड़ा, इहनूं असी इहनूं इधर ला गए तो की बन गया एक्स 7y उधर जा गया माइनस का बराबर, तो दूजे पास जाए माइनस वाला होंगे, जो माइनस वाला 7 ही जोड़ा उधर जाके कितना हो गया
हो गया प्लस वाला सात, ठीक है ना, एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस सात वाई माइनस उन्जा सात घटाते माइनस उन्जा सात घटावे तो माइनस बताली है एक इक्वेशन बन, ठीक है ना, एक इक्वेशन बन गई साढ़े को, इक्वेशन नंबर एक आ गई साढ़े, हाँ जी ठीक है, इना पता लग गया। हूँ की करना है अगे, देखो अगे जी सिचुएशन की हैगी है, अगे सिचुएशन वो कह रहे हैं, हाँ जी अगे जी सिचुएशन हैगी है वो सू कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थ्री ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि तीन साल बाद, पहला वो एज कि एक्स सी, कुड़ी की एज कि वाई सी, तीन साल बाद कि होगी एक्स प्लस तीन होगी, तो कुड़ी की एज प्लस तीन ही होगी ना, ये साड़ी क्योंकि कुड़ी की पिता की उम्र हो गई, ठीक है यही लिखा वा थ्री ईयर नो एज ऑफ आवताब कितनी हो जाएगी एक्स प्लस थ्री हो जाएगी, तो उसकी डाटर की एज कितनी हो जाएगी वाई प्लस थ्री। उस बाद एक और सिचुएशन कह रहे थे कि तीन साल बाद जी है उसकी जी उम्र हैगी है वह कि रही है तीन गुना रह, तीन साल बाद उम्र कि रही तीन गुना रह, तीन गुना रह ना, तीन साल बाद उम्र कि रही है तीन गुना रही है, हाँ जी तीन साल बाद उम्र कि रही है तीन गुना रही है ना, हूँ तीन गुना रही है, ठीक है यदा मतलब कि आफताब की जो उम्र होएगी वह तीन गुना होएगी, आफताब की जो उम्र हैगी तीन गुना होएगी कि कुड़ी की उम्र नो, तो एन असी खोलेंगे तीन इधर भी गुना होएगा तो तीन इधर भी गुना होएगा यानी कि बन गया एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस तीन, तीन गुना हो गया नौ हो गया, ठीक है तीन वाई इधर चला जाएगा, हाँ जी इधर हो गया ना, हाँ जी हाँ जी है क्यों हो गया तीन वाई प्लस नौ हो गया तीन वाई इधर चला गया, ठीक है वह क्यों हो गया माइनस तीन वाई, तो आ जरा नौ आ जरा तीन ही इधर आ गया माइनस का तीन हो गया, नौ से तीन कटाता की आ गया छे आ गया, तो साढ़े को इक्वेशन नंबर की बन गई इक्वेशन नंबर दो बन, इक्वेशन नंबर वन है तो इक्वेशन नंबर दो साढ़े को दो चीज़ा आ गई, इक्वेशन नंबर वन है तो इक्वेशन नंबर दो साढ़े को दो चीज़ा आ गई, हूँ की करा इन्हों सोल्व करा, इन्हों की करा सोल्व करा, सोल्व कितना करीदा हाँ जी इन्हू सोल्व कितना करा, देखो इन सोल्व करने का की तरीका है, इन सोल्व करने का तरीका की है, असी करा एक बार एक्स की वैल्यू जीरो भर देंगे, ठीक है एक बार एक्स की वैल्यू सत्त भर देंगे, ठीक है एक बार एक्स की वैल्यू जीरो भर देंगे, जो एक्स की वैल्यू जीरो भरेंगे ना यहाँ मतलब की है जितने एक्स लिखे ना उत्थे ही जीरो लिखा, जितने एक्स लिखे उत्थे जीरो लिखा की बढ़ गया बाकी की रह गया माइनस सत्त वाई माइनस बताई, ठीक है तो माइनस सत्त और जी आगे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है सत्तु छी कितना बताली होंगे यानी कि माइनस ना माइनस कटे गया कि रह गया वाई आ गया साढ़े को छे, यानी कि जो असं एक्स जीरो भरते पे ना तो वाई साढ़े को छे निकल गया, ठीक है इन असं इदा पॉइंट में लिख लेंगे एक्स जीरो वाई छे, एक्स जीरो वाई छे, ठीक है हूँ उस बाद एक्स की वैल्यू अभी सत्त भर दी है, एक्स की वैल्यू सत्त भरा तो क्या होगा सत्त एक्स की जगह सत्त आ गया सत्त माइनस सत्त वाई, तो यह सत्त उधर जाके माइनस का हो जाएगा बताली सत्त माइनस हो गया
क्योंकि ए भी माइनस दैट है, सात भी माइनस दैट है, ठीक है ना, हो गया उनिंजा हो गया, ठीक है ना, कटेगा सब तू सात उनिंजा होना, माइनस ना माइनस कटेगा, फिर आ गया वाई सात आ गया ना, यानी कि जब अस एक्स की वैल्यू सत्त भरते पे हैं तो वाई की वैल्यू की निकल के आ रही है, सत्त निकल के आ रही है, ठीक है। इन असी पॉइंट में लिख लिया तो साढ़े को टेबल आ गया, जो असी एक्स टेबल आ गया, देखो जो असी एक्स की वैल्यू जीरो भरते पे हैं वाई की वैल्यू की निकल के आ रही है, छे निकल के आ रही है, तो जो असी एक्स की वैल्यू सत्त भरते पे हाँ, जो असी एक्स की वैल्यू सत्त भरते पे हाँ तो वाई की वैल्यू की निकल के आ रही है, वाई की वैल्यू भी सत्त निकल के आ रही है, ठीक है। अगे ना पता इस चीज का, हूँ अगे की करिए, यह इक्वेशन नंबर वन से, हूँ असी इक्वेशन नंबर टू देख लाँगे, हूँ की करा असी इक्वेशन नंबर टू देख लाँगे। इक्वेशन नंबर टू की हैगी, साढ़े को इक्वेशन नंबर टू जी हैगी है वो है सी, ठीक है ना, सेम वही चीज करा एक्स की वैल्यू जीरो पर, एक्स की वैल्यू जीरो भरना वा, ठीक है, एक्स जिते एक्स है उत्थे जीरो भरता, जिते एक्स ही उत्थे जीरो भरता, बाकी रह गया माइनस तीन वाई बराबर छे, आ माइनस तीन जो उत्थे जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छे, यानी कि साढ़े को जवाब की आ गया वाई दी माइनस दो, ठीक है, यानी कि एक्स जो असं जीरो भरते पे हाँ तो वाई की निकल के आ रहा है साढ़ा, वाई निकल के आ रहा है माइनस दो, ठीक है, वाई की निकल के आ रहा है माइनस दो आ गया। इन असं पॉइंट में लिख लिया, इदा ही हूँ की करा इस वाई इक्वल टू जीरो पढ़ा, ठीक है, वाई कुछ और पर आएंगे तो बटे में आ सकता है, इस करके बटे में ना लिया की जगह असं करता वाई जीरो पाता, इतने वाई आ रहा है इतने ही जीरो लिखता, तेने जो जीरो ना गुना होगा तो की होगा जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू की रह गई छे रह गई, यानी कि जो असं वाई जीरो भरते पे हाँ तो एक्स छे आ रहा है, यानी कि इन भी पॉइंट लग गया साढ़े को टेबल आ गया, ठीक है, साढ़े को आ गया टेबल आ गया, एता कि जो असी एक्स जीरो भरते पे हाँ तो वाई की वैल्यू की आ रही है माइनस दो आ रही है, पर जो असी एक्स की वैल्यू छे भरते पे एक्स की वैल्यू छे भरते पे तो वाई की वैल्यू की आ रही है जीरो निकल के आ रही है, या उल्टा कह लो वाई की वैल्यू जो असी जीरो भरते पे तो एक्स की वैल्यू की निकल के आ रही है छे निकल के, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। अगे चलिए हूँ साढ़े को दो वैल्यू आ गई, दोनों ग्राफ से आ गई, असी की करा इन असी प्लॉट करता, इन असी की किया असी प्लॉट करता, हूँ प्लॉट करने का की तरीका है वह, हूँ देखो साढ़े को ग्राफ है ना, यह जी थले वाली आ लाइन हैगी है, की कहने असं एक्स एक्सिस कहने वाली जी लाइन है इन की कह देंगे एक्स एक्सिस कह देंगे, जी ए वाली लाइन होंगी इन की कह देंगे वाई एक्सिस, ठीक है ना, इस चीज़ का पता है तुम्हें, ठीक है। हूँ पहले बच्चे की सी पहली जी सा इक्वेशन हैगी वो की सी, वो सी एक्स माइनस सत्त वाई इक्वल टू बताली, वो दो पॉइंट जे की निकल गया ही आ देखो दो पॉइंट जो निकल गया एक्स जीरो वाई छे एक्स सत्त वाई सत्त, यही यही सी पढ़ा एक्स जीरो, ठीक है, एक्स जीरो इधर नू स्टैप नू, ठीक है, वाई छे स्टैप उपर, ठीक है, एक स्टैप हो गया, दो स्टैप हो गया, तीजा स्टैप हो गया, चौथा स्टैप हो गया, पंजा स्टैप हो गया, छे स्टैप हो गया, इतने असी की करता एक पॉइंट लगा, ठीक है, दूजा की निकल एक्स सत्त से वाई सत्त, एक ग्राफ है एक्स इधर एक दो तीन चार पांच छे सत्त, इधरों भी उपर नू एक दो तीन चार पांच छे जरा की हो गया सत्त हो गया, दो पॉइंट आ गए ना साढ़े को, असी करा दो पॉइंटा असी ए असी इदा लाइन खेल ग्राफ उत्ते स्केल इदा लाइन खेल, ठीक हो गया साढ़े पहले ग्राफ से आ गई, तो दूजा जोड़ा ग्राफ से वह की वह है एक्स माइनस तीन वाई माइनस छे, ये की पॉइंट आए थे एक्स जीरो तो वाई माइनस दो है ना, यही आए सीधा, तो दूजा क्या है एक्स छे वाई जीरो, ठीक है, वाई जीरो पर भी एक्स छे आया, एक ही हो गया एक्स जीरो और वाई माइनस दो ना वाई थले जाएगा, ठीक है, तो यह पॉइंट है आ जाएगा एक पॉइंट है की आएगा एक्स छे वाई जीरो एक पॉइंट आ जाएगा, असं करा फिर स्केल एक ग्राफ के एक लाइन बना देंगे, साढ़े को आ गया दो लाइन आ गई, ठीक है ना, ये दो लाइन आ गई, एक ग्राफिकली असं करता रिप्रजेंट करता, ठीक है, लग गया पता। हूँ अगला सवाल करिए, ठीक है, अगला देखो अगला की है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय थ्री बैट एंड सिक्स बॉल फोर थ्री नाइन जीरो, ठीक है, हूँ की कह गया कि कह रहा है तीन बैट खरीदा पे है छे बॉल खरीदा पे है, असी करांगे एदी भी इक्वेशन बनावांगे, एदी की करांगे असी इक्वेशन बनावांगे, बैट की जगह की असी मान लांगे एक्स, बॉल की जगह की मान लांगे वाई मान लांगे, ठीक है, तो हूँ की कह रहा है तीन बैट तो छे बॉल, एदा की मतलब क्या तीन एक्स हो गया तो छे वाई हो गया, कितने रुपए दी है उनतालीस सौ रुपए दी है ना, तीन इन्होंने जो कॉमन ले लिया की रह जाएगा एक्स प्लस टू वाई, तो इधरों तीन कॉमन ले लिए तेरह तो उनताली तीन तीन कटिया जाएगा,
इन्हें तीन कटिया गया तो साढ़े को जी इक्वेशन बच गई होगी बच गई एक्स प्लस दो वाई बराबर तेरह। ठीक है ठीक है। उस तो बाद अगली लाइन की कह रहे हैं शी बाय अनदर बैट एंड थ्री बोल, यानी कि एक बैट उन्हें लिया ते तीन बोलां लै लिया ते किन्ने रुपए दी लईयां 1300 रुपए दी। ते इहनू की करांगे असीं ग्राफिकली रिप्रजेंट करवाना। ते हुण साडे कोल की होया एक बैट ते तीन बोलां सी ना, दूजी सिचुएशन विच एक बैट एक एक्स ते तीन बोलां, इह कितना हैगा 1300 आ गया। साडे कोल दो इक्वेशन आ गई, आ दो इक्वेशन आ गई, इहनां नूं की करांगे असीं इक्वेशन नूं ग्राफ दे विच रिप्रजेंट करवावां। ठीक है, इक्वेशन नूं ग्राफ विच रिप्रजेंट करावांगे। असीं सब तों पहले करांगे पहली इक्वेशन लवांगे, असीं करांगे पहली इक्वेशन लवांगे। पहली इक्वेशन की हैगी है देखो, पहली इक्वेशन की हैगी है, पहली इक्वेशन विच की कह रहा है जिहड़ी असीं बनाई सी वो की हैगी सी, वो आई सी ना, वो सी एक्स प्लस टू वाई बराबर 1300। ठीक है ना, यही सी ना, हाँ जी एक्स प्लस टू वाई बराबर 1300 हैगा सी। हुण की करांगे असीं इहदे विच एक्स जीरो भरांगे, एक्स जीरो भरांगे मतलब कि जिते एक्स आ रहा उत्थे जीरो भरता, जिते एक्स आ रहा उत्थे जीरो भरता। तो की रह गया साढ़े को दो वाई बराबर 1300, वाई जिहड़े वाई दे नाल दो आ रहा दो की चला जाएगा इधर चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा वाले सीधे जाके डिवाइड हो गया तो की आ गया वाई आ गया साढ़े को 650। यानी कि जो असं एक्स जीरो भरते पे हाँ वाई की आ रहा साढ़े को 650। ऐसे एक पॉइंट लै लिया। उस बाद हुण एक्स 100 भरांगे, कोई होर वैल्यू ले लाँगे ना कट्टी नहीं जानी हैगी, तो असं कट्टने जाने तो इस करके एक्स की मान लिया 100 मान लिया, जिते एक्स लिखा गया है ना उत्थे अभी लिखता 100। ठीक है, 100 उत्ते जाके माइनस का हो जाएगा, 1300 चो 100 घटाता की हो गया 1200 के ना, या जो दो सी जो कि इधर गुना हो रहा है इधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1200 नूं 2 नाल डिवाइड किया तो की आ गया 600 आ गया। इहदा मतलब साडा की हो गया जो असं एक्स की वैल्यू 100 भरते पे सी ते वाई कितना आ गया साढ़े को 600 आ गया, साढ़े को एक पॉइंट आ गया। ठीक है ना, ये पॉइंट असी करते ये पॉइंट असी लिख ले। ठीक है, ये पॉइंट लिख ले की क्या कि जो असं एक्स जीरो भरते पे हाँ तो कोरसपोंडिंग वाई कितनी वैल्यू आ रही है 650 आ रही है। ठीक है, जो असं एक्स 100 भरते पे हाँ तो कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू क्या आ रही है 600 आ रही। ठीक है ना, यह पॉइंट असी याद रखा, यह पॉइंट याद रख के असी यदा ग्राफ बनावे। ठीक है, यह पॉइंट याद रखा, ऐसी क्वेश्चन दिया दो पॉइंट निकल गए, इन्हों याद रखा तो असी ग्राफ बनावे। ठीक है, अगे करिए हम साढ़े को जी अगली इक्वेशन सी, हाँ जी साढ़े को जी अगली इक्वेशन होगी सी वह हैगी सी ए इक्वेशन सी ना। हुण साढ़े को जी अगली इक्वेशन सी साढ़े को जी अगली इक्वेशन सी होगी एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 1300। हुण उही सिचुएशन करांगे की करांगे एक्स जीरो पा देंगे, जिते एक्स नजर आ रहे ना उत्थे अही करता जीरो पाता, जीरो प्लस तीन वाई बराबर की हो गया 1300 हो गया, तीन जरा उत्ते जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड होता है की आया 443.3 आया। यानी कि जो असं एक्स की वैल्यू जीरो भरते पे हाँ तो वाई की वैल्यू की आ रही है 433.3। ठीक है, हूँ ये एक्स में फिर वैल्यू 100 भरो। ठीक है, 100 भरी क्या आ गया 1200 आ गया। ठीक है, तो आज जो तीन इधर गुना होना इधर जाके की हो गया डिवाइड हो गया 1200 चो तीन डिवाइड किया तो की आ गया वाई 400 आ गया। ठीक है ना, यानी कि ये एक्स से जो 100 भरते पे हैं तो कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू की आ रही है 400 आ रही है। दो पॉइंट आ गए ना, यह दो पॉइंट असं लिख लाँगे। ठीक है, इन्हों की यूज करा असं ग्राफ में। ठीक है, साढ़े को कंकलूजन निकल के आया, साढ़े को यही कंकलूजन निकल के आया, साढ़े को यह कंकलूजन निकल के आया कि जो असं एक्स जीरो भरते पे हाँ तो कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू आ रही है 433। ठीक है, जो असं एक्स की वैल्यू 100 भरते पे हाँ तो कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू की निकल के आ रही है 400 निकल के आ रही है। ठीक है, ये दोनों ग्राफा एक है वाला एक है वाला, इन्होंने दोनों असं की करांगे ग्राफ के रिप्रजेंट करावे, करांगे ग्राफ के रिप्रजेंट करावे। ठीक है, साढ़े को आ गया ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ आ गया ना। ठीक है, यह ग्राफ आ गया। हूँ देखो जी पहली क्वेश्चन हैगी एक्स प्लस टू वाई बराबर 1300 की ही, एक्स जीरो तो वाई 650 असी ग्राफ ले लिया क्योंकि जेकर एक दो तीन चार लेंगे तो साडा ग्राफ नहीं आना, असी ले लिया स्केल लै लिया 100 ले लिया 200 लै लिया 300 लै लिया 400 500 600 700। ठीक है, एक ही 0 तो 650 600 700 के विचकार आ गया। ठीक है, अगला जरा पॉइंट ही होगी 100 तो 600 एक्स 100। ठीक है, वाई 600 एदा हो। ठीक है, एक्स 100 तो वाई 600 यह साडा पॉइंट आ गया। यह साढ़े को दो पॉइंट आ गए ना, यह दो पॉइंटा लैके असी करता ग्राफ बनाता, यह दो पॉइंटा लैके असी करता ग्राफ बनाता। ठीक है, उस बाद जोड़ा साढ़े को दूजा ग्राफ सी, जोड़ा साढ़े को दूजा ग्राफ सी होगी आ देखो एक्स जीरो तो वाई 433 पॉइंट। ठीक है, एक्स जीरो तो वाई चार सौ एक्स जीरो
ਯਾਨੀ ਤੇ ਵਾਏ 433 ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਐਕਸ 100 ਤੇ ਵਾਏ 400 ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 100 ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ हाँ जी देखो अगला सवाल द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज 160 रुपए ठीक है की कहता हूँ 2 kg एप्पल ने 1 kg ग्रेप्स ठीक है असी एप्पल की मान लेंगे एक्स मान लेंगे ग्रेप्स की मान लेंगे वाई इन्हें दो ने टोटल कितना बनता है 160 यानी कि 2 kg एप्पल हो गए 1 kg ग्रेप्स की हो गए 160 ठीक है असी सवाल कितना सोल्व करना है हाँ देखो असी कहोंगे मान लो कि एप्पल जरा एक्स में रिप्रजेंट करवाते पे हाँ वाई नू की रिप्रजेंट करवा रहे हैं ग्रेप्स नू कितना रिप्रजेंट करवा रहे हैं वाई का ठीक है सानू की कह रहे हैं इस सवाल में 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप कितने देने 160 रुपए देने ठीक है असी किया 2 एप्पल 1 ग्रेप्स वो कितना हो गया साढ़े को इक्वेशन नंबर 1 बन गई वो एफ ठीक है इनू असी अगे यूज करा ठीक है अगे यूज करना ठीक है अगे देखो अगे आ गया सवाल विच देखो की कह रहे सी द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg इज ग्रेप इज 300 के होर टाइम 4 kg ग्रेप ठीक है 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप दे वैल्यू कितनी आ रही है 300 आ रही है ठीक है मैंने भी ऐसी इक्वेशन विच लिख लिया 4x ते 2y क्योंकि एप्पल नु x मंदे पे ही ग्रेप नु की मंदे पे ही y मंदे पे ही ए आ गया इन्हें दो च कॉमन कर लिए इस दो का कॉमन है ठीक आ गया 2x + y दो दो डिवाइड करा भी होगा 150 होगा यह दो तो यह दो कटे गए साढ़े को दूजी जी इक्वेशन की बन गई 2x + y बराबर 150 ठीक है एक बन गई ठीक है एक इक्वेशन साढ़े को पहली आ गई सी एक होर इक्वेशन बन गई ठीक है ना असं इन्होंने दोवों की करा सोल्व करा असं इन्होंने दोवों की करा सोल्व करा ठीक है हम यह जो इक्वेशन हैगी असं ग्राफ बनावे ठीक है ग्राफ बनाने तो पहले असं की करा वैल्यू भर की वैल्यू भरने तुम मैं दसिया ही कि एक्स 0 भर दो नॉर्मली वाई की वैल्यू निकल आएगी ठीक है तो वाई की वैल्यू वही भी आ सकती है छोटी भी आ सकती है जिम्मे कि इतने एक्स की वैल्यू 50 भरी है पर जेकर तुम इतने एक्स की वैल्यू 0 भर दोगे ना तो भी साडा जवाब आए ठीक है मैं भर के दस देना यह हो गया 0 हो गया वाई कितना आ गया 50 यानी कि जो मैं एक्स 0 भरता पाया तो वाई मेरे को आ रहा 150 ठीक है ना यह भी पॉइंट हो सकता पर यह पॉइंट काफ़ी व्डा हो जाएगा असं करने उ चलने कि एक्स की वैल्यू अभी 50 वाली एक्स की वैल्यू की मान ली 50 वाली तो 2 × 50 गुना हो गया तो की हो गया 100 हो गया 100 तो जाके की हो गया माइनस का हो गया 150 च 100 घटाता की आ गया 50 आ गया यानी कि जो असं एक्स की वैल्यू 50 भरते पे तो वाई की वैल्यू भी 50 तो असी टेबल चले अगली बारी की एक्स की वैल्यू 60 भर दो अगली बारी की करो 60 भर दो एक्स की वैल्यू 60 दुना की हो गया 120 हो गया 120 उधर जाके माइनस का हो गया 150 चो 120 घटाया तो वाई की वैल्यू की आ गई 30 आ गई यदा मतलब कि जो असी एक्स की वैल्यू 30 वाई एक्स की वैल्यू 60 भरते पे तो वाई की वैल्यू की आ रही है 30 आ रही ठीक है यह पॉइंट असं याद रखने हैं साढ़े अगे पॉइंट ठीक है ना अगे करिए अगे जड़ा है अगे कहें अगे अभी दूजी इक्वेशन लै लिया अगे की किया असी दूजी इक्वेशन लै लिया ठीक है ना दूजी इक्वेशन में उही चीज़ हैगी है असी करा एक्स की वैल्यू भरा है वा ना ये भी एक्स की कोई वैल्यू भरनी मान लो एक्स की वैल्यू 50 ही भर दी एक्स की वैल्यू 50 भरा तो की बन जाएगा 100 बन जाएगा 50 गुना 2 100 होंगे यह 100 इधर लै जाओ इधर जाके की हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर तो दूजे पास जाता तो की होंगे माइनस होंगे 160 में 100 घटाता की आ गया 60 आ गया यानी कि एक्स की वैल्यू जो असं 50 भरते पे हाँ वाई की वैल्यू की निकल के आ रही है 60 ठीक है इधर ही एक्स की वैल्यू फिर 60 भर दी ठीक है 120 आ गया 120 उधर जाके माइनस का हो गया तो वाई वैल्यू की आ गई 40 आ गई यानी कि एक्स जो असी 60 भरते पे हाँ वाई की वैल्यू क्या आ रही है 40 ये साढ़े को एक की हो जाएगा एक और चीज आ गई ठीक है आ गई ना असं की करा इन ग्राफ में रिप्रजेंट करावे ग्राफ में कि रिप्रजेंट करावे आ देखो थोड़े सामने नजर आ रहे ठीक है ना पहली सिचुएशन वास्ते की हो गया पहली सिचुएशन वास्ते यह हो गया कि जो असं एक्स 50 भरते पे हाँ तो वाई भी 50 है ठीक है ना एक्स 50 कितने है जी इतने करके है आ जी आ देखो
एक्स पंजा जो है यह लाइन है एक्स पंजा ठीक है एक्स पंजा की यह लाइन होगी वाई पंजा की कि लाइन होगी यह होगी कितने मीट कर दे इतने कर दे ना एक पॉइंट ए हो गया एक पॉइंट की हो गया साडा ए वाला हो गया तो दूजा की है एक्स सठ से वाई त्री ठीक है एक्स सठ कितों है एक्स सठ से आएगा जी एक्स सठ ए हो गया तो वाई ती हो गया वाई ती कि हो गया ए हो गया ए हो गया ना एक तो मीट कर दे हो गए तो स्केल ना असी करता एक लाइन खेत ठीक है हम अगे देखो हाँ जी अगला जोड़ा है अगला की है सी अगे ही एक्स पंजा से वाए सठ एक्स पंजा भरी है तो एक्स पंजा वैल्यू हो तो वाए सठ निकल आए एक्स पंजा कितने होगा एक्स पंजा इतने होगा ना इतों तक गया ठीक है इतने वाए सठ कितने होंगे इतने होंगे इतने इतने पॉइंट बनता पैना एक पॉइंट असी इतने लिख लिया ठीक है एक पॉइंट ए हो गया अगला की है एक्स सठ से वाए चाली अगला की है एक्स सठ से वाए चाली एक्स सठ कितने है इतने है जी ठीक है ये इतों तक जाएगा तो वाए चाली कि इतों शुरू होंगे इतों तक जाएगा ठीक है ए कितने मिलने पे इतने मिलने पे ऐसी किता इन्हू स्केल की मदद ना ये भी लाइन खींचती ग्राफ बन गया ठीक है ना ठीक हो गया ग्राफ बन गया ठीक है ये जो ग्राफ से साडा बन गया यही असी इन रिप्रजेंट करवाना सी ठीक है ना साफ देख लो ठीक है ना ये ग्राफ साडा बन गया ठीक है ग्राफ इन्हों दो चीज़ों की वरतों ना ही बनया कि जो एक्स पंजा ही वाए पंजा लिखा ठीक है तो जो एक्स सठ सी वाए ती लिखा ठीक है एक लाइन ए बन जाएगी ये उस बाद दूजी लाइन बना वास्ते एक्स पंजा ही वाए सठ सी ठीक है तो दूजी और हो गया एक्स सठ सी वाए कोरसपोंडिंग की निकल गया चाली निकल गया तो साडा की हो गया ये सारा ग्राफ बन गया ठीक है ये सारा ग्राफ की हो गया बन गया ठीक है लग गया पता यही एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल जिहड़े कि असी सोल्व किए हैं मैं उम्मीद है तुहानू समझ भी आई होगी जेकर किसी तरह का कोई डाउट तुहानू लगता है तुसी कमेंट करके मैं पूछ सकते हो मैं तुहाडे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा इस वीडियो में वध तो वध लाइक और शेयर जरूर करना ताजो मैं मोटिवेशन मिलती रहे तो मैं तुहाडी वास्ते नवीं वीडियो बनाता रहा धन्यवाद।